नाजरीन आदाब, किस्तवार मालूमाती प्रोग्राम ख्वाबों का सफर लेकर एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी इस प्रोग्राम में हम आपको दिलचस्प और मालूमाती जानकारियां देने की कोशिश करते रहते हैं। आज की किस्त में बात एक और अहम शख्सियत की। नाजरीन, हम में से बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी फिल्म नहीं देखी होगी। आज भारत की फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है। आज हर साल भारत में जितनी फिल्में बनती हैं उतनी दूसरे किसी देश में नहीं बनती। भारतीय सिनेमा की शोहरत दूर दूर तक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भारतीय सिनेमा जिसकी शोहरत सात समंदर पार तक फैली हुई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हम बताते हैं। इस सफर की शुरुआत होती है दादा साहेब फाल्के से। दादा साहेब वो फिल्म मेकर हैं जिन्होंने भारत में फिल्म मेकिंग की बुनियाद रखी। भाजी देखो ना, फिल्म शुरू होने वाली है, जल्दी जल्दी बना लो फिर चली जाना। ये सब कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम छोड़ दो इसे, मैं कर लूंगी। छोड़ दो ना, देर हो जाएगी। इसे ऑफ कर दो, ये वाला। जी बन गया, ठीक है। तुम चाय पियोगी? नहीं। जल्दी करो ना प्लीज। कर रही हूँ बाबा। रिहान, अभी फिल्म शुरू तो नहीं हुई ना? नहीं अप्पी, अभी तक शुरू नहीं हुई। चलो अच्छा है, मुझे लगा आज खाना पकाते पकाते मैं फिल्म ही मिस कर दूंगी। अच्छा इरसलान कहाँ है? वो बस आता ही होगा। अच्छा अच्छा अप्पी, क्या आपको ये पता है कि हमारे मुल्क में सबसे पहली फिल्म कब बनी थी? लो शुरू हो गया इनका इंटरव्यू। रिहान पहले हम फिल्म देख लें।
उसके बाद तुम्हें बताएंगे, ओके? अभी तक तो फिल्म शुरू भी नहीं हुई, आप इतने में बता दीजिए ना प्लीज। उफ़, रिहान। अच्छा तो ये बता दीजिए, पहली फिल्म का नाम क्या था? पहली फिल्म का नाम? हाँ हाँ, पहली फिल्म का नाम। देखो फिल्म शुरू हो गई, अभी नो मोर क्वेश्चंस प्लीज। हेलो, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। मेरा नाम फाल्के है। मुझे आपका नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, लेकिन कहाँ सुना है वो याद नहीं आ रहा। हाँ सुना होगा, मैं फिल्मों से जुड़ा हूँ इसीलिए लोग मुझे जानते हैं। अच्छा तो आप फिल्मों में एक्टर हैं? फिल्म हीरो नहीं, फिल्म मेकर, और मैंने ही भारत में फिल्मों की शुरुआत की थी। ओह दैट्स ग्रेट, अपने बारे में और कुछ बताइए ना। असल में मेरी कहानी और भारत में फिल्म की शुरुआत की कहानी के दो हिस्से थे। अब बताओ, पहले तुम्हें मैं अपने बारे में बताऊं या भारत में फिल्मों की शुरुआत के बारे में? नहीं नहीं, आप पहले अपने बारे में बताइए। ठीक है, पहले मेरे बारे में ही सुनो। मेरी पैदाइश 30 अप्रैल 1870 को नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में हुई थी। मेरे वालिद संस्कृत के बहुत अच्छे आलिम थे, वो मुंबई के अल्फांटन कॉलेज में पढ़ाते थे। वालिद की नौकरी जो कि मुंबई में थी, इसलिए मुझे मुंबई में ही शुरुआती तालीम हासिल करनी थी। हाई स्कूल के बाद मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से आर्ट की तालीम हासिल की और फिर बड़ौदा के कोलभोन में पढ़ाई की। मुझे पढ़ाई के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई, लेकिन मैंने थोड़े ही दिनों में नौकरी छोड़ दी। तो फिर आपने कहीं और नौकरी की? नहीं, मैंने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस खोल ली, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। तो फिर आप फिल्मों में कैसे आए? बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। ये सन 1911 की बात है। मैंने ईसा मसीह की जिंदगी पर बनी एक फिल्म देखी तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी ही फिल्म हमारे हिंदुस्तानी महापुरुष पर बनाई जाए। बस यहीं से मेरी जिंदगी ने नया मोड़ ले लिया। मैंने सिनेमा की टेक्निक समझने और आलात की खरीदारी के लिए लंदन जाने का फैसला किया। मैं 2 महीने लंदन में रहा और वापस आकर मैंने फाल्के फिल्म के नाम से मुंबई में अपनी फिल्म कंपनी शुरू की। और तब आपने पहली फिल्म बनाई? हाँ, 1913 में मैंने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तैयार करके स्क्रीन की। ये स्क्रीन मुंबई के कोरोनेशन थिएटर में 3 मई 1913 को हुई थी। ये एक खामोश फिल्म थी। तो ये थी हिंदुस्तान की पहली फिल्म? हाँ, लेकिन एक बात याद रहे कि इससे पहले भी एक आध फिल्म हिंदुस्तान में बनी थी, लेकिन पहली फुल लेंथ बाकायदा फिल्म यही थी। मैं अपनी फिल्मों में बहुत सारे काम अकेला ही करता था। मैं खुद ही कैमरा चलाता था, स्क्रिप्ट तैयार करता था और खुद ही हिदायतकारी भी करता था। मैं खुद ही अपनी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर भी था। अपनी फिल्मों को लेकर मैं गांव-गांव गया ताकि लोगों में फिल्मों का शौक पैदा हो। मैंने बैलगाड़ी पर लंबे लंबे सफर तय किए। उस जमाने में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम था। एक सबसे बड़ा मसला तो यही था कि कोई भी औरत फिल्मों में काम करने को तैयार ही नहीं होती थी। तो फिर तो आपने ऐसी फिल्म बनाई होगी जिसमें औरतों का किरदार ही ना हो। नहीं, लेकिन ये जरूर हुआ कि औरत का पार्ट मर्द से अदा करवाया गया। अब राजा हरिश्चंद्र की ही सुनो, इसमें एक बहुत अहम किरदार था, तारामती का। मैं चाहता था कि कोई औरत ही तारामती का किरदार निभाए। मैंने नाटक मंडली से बात की, लेकिन कैमरे के सामने आने को कोई भी औरत राजी नहीं हुई। मैंने इश्तेहार बंटवाए, लेकिन कोई नहीं आया। यहां तक के मैं कोठों पर गया, लेकिन वहां से भी ना का जवाब मिला। मैं बहुत परेशान था। सुनो जी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? सालोंके।
सालों के, क्या तुम फिल्म में काम करोगे? मैं फिल्मों में? पर मैं क्या करूंगा साहब फिल्मों में? कुछ नहीं, एक औरत का पार्ट करना है। औरत का पार्ट? पर मैं तो... हाँ भाई, जानता हूँ कि तुम मर्द हो, लेकिन तुम्हें मेकअप करके औरत बना देंगे। फिक्र मत करो, कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे भी दूंगा। ओह, तो वो मान गए? हाँ, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आ गई। अब क्या प्रॉब्लम आ गई? रिहर्सल के बाद शूटिंग शुरू होने से एक दिन पहले मैंने उसको बुलाकर कहा कि वो अपनी मूछ मुंडवा ले, कल से उसे औरत का पार्ट अदा करना है। पर मैं मूछ कैसे साफ कर सकता हूँ साहब? वो सब सही है, लेकिन तुम्हें एक औरत का किरदार निभाना है, फिर तुम इन मूछों के साथ औरत कैसे लगोगे? लेकिन मूछ तो... फिक्र क्यों करते हो, शूटिंग के बाद मूछें फिर से रख लेना, ये तो घर की खेती है ना। ठीक है। इरसलान आओ आओ बैठो, कहाँ रह गए थे तुम? वो अपनी एक इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। अच्छा, देखो फिल्म चल रही है। अरे इसे क्या हुआ है, देखो ये सोते सोते हंस रहा है। हाँ अपनी, आजकल ऐसे ही सोते सोते हंसता रहता है, पता नहीं क्या हो गया इसे। कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो। अपी, हाँ? इस पे जिन भूतों का असर तो नहीं हो गया? पता नहीं। अच्छा तुम एक काम करो, तुम दादी से जाकर बोलो, अगर ऐसा कुछ है तो वो इस पर दुआ पढ़वा देंगी। हाँ बढ़िया आइडिया है, मैं अभी जाता हूँ। दादी दादी। क्या हुआ? पता है दादी? अरे बता ना क्या हुआ। रिहान आज फिर सोते सोते हंस रहा है, जल्दी आइए। अरे अरे सुन तो, ठीक से बता ना। अरे दादी टीवी में फिल्म चल रही है, मैं चलता हूँ। इरसलान तुम इतनी जल्दी कहाँ भाग के जा रहे हो? अम्मी आज रिहान फिर ख्वाबों में हंस रहा था। हाँ? ये बात मैं दादी को बताने के लिए आया था, मैं चलता हूँ। अरे सुनो तो बहू, जरूर कुछ गड़बड़ है। नहीं, ये बच्चों को कुछ हो गया है। या अल्लाह, अब जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। अम्मी, या अल्लाह मैं क्या करूं? नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दादी आ रही है। अच्छा चलो ठीक है। या अल्लाह बड़ा संगीन मामला होता जा रहा है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे वो वाला चैनल लगाओ ना। बोर मत करो इरसलान, तुम अभी भी इस उम्र में कार्टून देखते हो? धन वॉल्यूम तो दो। ठीक है। हाँ अरे ये तावीज बीच में कहां से आ गया? चुप करो। अरे दादी ये सब क्या है? रेहान बेटा, मौलवी साहब ने ये तावीज दिया है, तुम्हें बुरे ख्वाबों से निजात मिल जाएगी। दादी पर ये? खबरदार, इसे उतारा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
से बेवक्त सो जाना, नींद में ऊट पटांग हरकतें करना, ये किसी बीमारी की अलामत तो नहीं? या अल्लाह, मैं क्या करूं, किसे बताऊं? नहीं, अब तो सानिया जी से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, जल्द ही बात करनी पड़ेगी, यही ठीक रहेगा। राकेश ने ऐसा क्यों बोला? मैं एक काम करती हूँ, उसे फोन लगाती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ राकेश, तुमने ऐसा क्यों बोला? हाँ, बिजी। ओके, ठीक है, जल्दी फ्री होके मेरे पास आ जाना। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। अंजलि जी, अगले शॉट में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक आप रेस्ट ले लीजिए। ओके, ठीक है। स्पॉट बॉय, मेरे लिए फ्रूट्स ले आना। मैम, ऑटोग्राफ प्लीज। नाम क्या है आपका? जी, विश्वजीत। अच्छा, कहाँ रहते हैं? बस यहीं पास में। ठीक है। मेरी फिल्म देखी क्या? जी देखिए, बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, थैंक यू, लीजिए। थैंक यू मैम। मुझे भी ऑटोग्राफ दीजिए। आपका नाम क्या है? जावेद। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? यही पास में रहता हूँ। कुछ काम करते हैं क्या? हाँ। शुक्रिया। ठीक है, भेज दो। और सुनो, थोड़ा सा फ्रूट्स भी ले आना। ओके। अरे सानिया, तू? ओ अंजलि। हाँ, बैठ। ठीक है। और बोल। जो अपने कॉलेज का जमाना था वो गाना याद है ना? गाना गाना गाना, माय गॉड, इतना फेमस गाना था हम दोनों का ना। थोड़ा सा तो एक वर्ड बोल देना। कोई क्लू दे। यारो दोस्ती। अरे यार, थोड़ा सा और। यारो, बोलो बोलो। हसीन है, याद आया? और बताओ। बस इतने सालों बाद मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सानिया, बहुत साल हो गए, मैंने तुझे बहुत मिस किया। और बताओ, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, एकदम बिंदास। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो हो गई हो। ये लाइट्स, कैमरा, बहुत मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत। ऑटोग्राफ प्लीज मैम। उफ, तू भी ना, मैं जैसी थी वैसी ही हूँ। हाँ, एक्ट्रेस तो बन गई। हाँ। लेकिन अपने दोस्तों के लिए मैं आज भी वही पुरानी अंजलि हूँ। सच बोलूँ तो एक्ट्रेस बनने का मजा ही कुछ और है। अब ऐसा हो गया कि
कैमरा देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती। और बता, तेरी लाइफ कैसी चल रही है? मेरी जिंदगी तेरी जैसी कहाँ, पर खुदा के करम से मैं बहुत खुश हूँ। एक स्कूल में बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाती हूँ और क्लास 8 की टीचर हूँ। ओहो टीचर जी, आपकी छड़ी कहाँ है? अच्छा बता, अंकल आंटी कैसे हैं? अम्मी अब्बू दोनों ठीक हैं। और तेरा शौहर? मेरी शादी अब तक नहीं हुई। क्यों, किसका इंतजार है? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, शादी के बारे में सोचा ही नहीं। सोचती हूँ एमटेक कर लूँ, देखते हैं क्या होता है। वैसे तेरे अम्मी और अब्बू कैसे हैं, और तेरे भैया वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं वो? आए हाय, भैया की बहुत याद आ रही है क्या? उसका नंबर दूं? तू नांजलि कभी सुधरने वाली नहीं है। अरे भैया को लंदन में नौकरी मिल गई है। अच्छा, और उन्होंने शादी भी कर ली। ओ, मॉम डैड भी उनके साथ लंदन में रहते हैं। तो तू यहाँ अकेली रहती है? अरे नहीं, यहाँ मेरे अंकल रहते हैं और मैं उनके साथ हूँ। और मेरा क्या, आज यहाँ तो कल कहीं और। शूटिंग के लिए तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या बोलूँ। कभी कभी बहुत थक जाती हूँ यार, मन करता है कि सब कुछ छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी करने वाली नहीं हूँ। और तू बता, कोई हमसफर मिला या नहीं? लड़के तो बहुत सारे मिले, लेकिन मेरी पसंद का अब तक कोई मिला ही नहीं। हाँ हाँ, तेरे लिए तो कोई शहजादा आएगा। सानिया तुझे याद है चंदू? वो चंदू जो हमारी क्लास में पढ़ता था? कौन, वो चश्मेश? हाँ हाँ वही। मत याद दिला यार। ऐसा मत बोल यार, तेरा तो पहला प्यार था। प्यार? माय फुट, वो तो पागल था, हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया था वो। बेचारा चंदू, आज भी उसे तेरा वो थप्पड़ याद होगा। कोई बेचारा नहीं था, एक नंबर का बेशरम था, कितना समझाने के बाद भी मेरे पीछे पड़ा था। और तो और पूरे कॉलेज के सामने उसने मुझे प्रपोज कर दिया, सब मुझ पे हंस पड़े, मैं और क्या करती। तेरे थप्पड़ ने चंदू को ठीक कर दिया होगा। सच में कितने अच्छे थे ना वो दिन, बहुत याद आते हैं। सच में अंजलि, बहुत याद आते हैं। वैसे अंजलि, तुझे तो डॉक्टर बनना था ना, फिर तू एक्ट्रेस कैसे बन गई? हाँ यार, सोचा तो बहुत था, पर उस वक्त में मुझे पढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, और मैंने तुझसे एक बात छुपाई थी, मेरे पापा पे एक बेबुनियाद इल्जाम लग गया था। इल्जाम? कैसा इल्जाम अंजलि? तुझे तो पता है मेरे पापा एक जाने माने बैंक के मैनेजर थे। वहां एक बार मेरे पापा ने गलती से एक चेक देखे बिना पैसे दे दिए थे, और इसका इल्जाम पापा पे लग गया था। पर इसमें अंकल की क्या गलती थी? ऐसा तुझे और हमें लगता है, बैंक वालों को नहीं। बैंक वालों ने पापा को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। फिर क्या हुआ? शुक्र है कि भैया ने लंदन में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था, और ठीक थोड़े दिन बाद भैया को वहाँ से बुलावा आ गया था, और लंदन में भैया को नौकरी मिल गई। इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं? मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, अगर तूने मुझे कुछ बता दिया होता तो शायद मैं तेरी मदद कर सकती थी। और तुझे याद है ना मेरे इम्तियाज चाचू के बारे में, जो CBI ब्रांच में है? और ऊपर वालों की मेहरबानी से उनका इल्जाम दूर हो गया, पुलिस वालों ने उन गुंडों को ढूंढ निकाला। चल कोई बात नहीं, अब अंकल पे इल्जाम हट गए या नहीं? जिसने मेरे पापा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब वो सब पहले जैसे हो गए। बैंक वालों ने पापा को फिर से बुलाकर नौकरी वापस दे दी। शुक्र है खुदा का जो असली गुनहगार पकड़ा गया। और तुम मुझसे एक वादा करो, तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम मुझे जरूर फोन करोगी, बेझिझक। नहीं करूंगी। क्या? तेरा नंबर ही कहाँ है मेरे पास, मैं तुझे कैसे इतला करूंगी मास्टरनी साहिबा? मस्ती खोर, सीधी तरह से बोल नहीं सकती, ले मेरा नंबर ले ले। अच्छा दे, बैठ। हाँ बोल। 9800042111 27, ठीक है? हाँ। अच्छा,
मैंने सेव कर लिया सानिया जी। अंजलि जी आपका शॉट रेडी है, चलिए। जी सर मैं आ रही हूँ, सिर्फ 10 मिनट। ओके। और ये सर मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हेलो। जी जी आप जल्दी आइए। ठीक है सर। ठीक है। और तेरा नंबर दे मुझे। अच्छा ये ले मेरा कार्ड। क्यों फोन करना। ठीक है कार्ड भी रखती है। ये ले। नहीं यार गला बैठ रहा है। थैंक यू। अच्छा और सुन मिलती रहना। हाँ हाँ जरूर। और मेरी तरफ से अंकल आंटी को सलाम कहना और कहना कि उनकी दूसरी बेटी उनको बहुत याद करती है। जरूर। हाँ और अपना ख्याल रखना। और तुम भी अपना ख्याल जरूर रखना। ठीक है। ठीक है तो मैं निकलूँ अभी। ठीक है खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। थैंक्स। नाज़रीन दादा साहेब फाल्के 1870 में महाराष्ट्र में नासिक के पास एक गांव में पैदा हुए। दादा साहेब की इब्तदाई तालीम बॉम्बे में हुई। दादा साहेब को फोटोग्राफी का शौक था और इसके अलावा उन्हें थिएटर में भी काफी दिलचस्पी थी। दादा साहेब ने जैसे ही पहली बार फिल्म देखी उन्होंने ये तय कर लिया कि वो फिल्म मेकर बनेंगे। दादा साहेब ने फैसला किया कि वो मजहबी वाकयात पर फिल्में बनाएंगे। दादा साहेब ने फिल्म मेकर बनने के अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए काफी जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने एक कैमरा खरीदा ताकि फिल्म बनाई जा सके। उनके पास पैसों की तंगी थी इसलिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दादा साहब हौसला हारने वालों में से नहीं थे इसलिए उन्होंने अपने इस ख्वाब को सच करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। यहाँ तक नौबत आई कि उन्हें अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखने पड़े। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरीशचंद्र नाम से अपनी पहली फिल्म बनाई। इस फिल्म ने भारत में फिल्म साजी की बुनियाद रखी। आज अगर दादा साहेब को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाए तो गलत नहीं होगा।